बिहार में नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर काफी सख्त है, जहां जीरो टॉलरेंस की बात कही जाती है और इसमें ना तो किसी को फंसाने की बात होती है ना ही किसी को बचाने की। लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं पटना और पूर्णिया की बात, जहां एक साथ आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने कार्रवाई की है। पूर्णिया के डगरुआ के वीडियो अजय कुमार प्रिंस के चार ठिकाने को खंगाल रही है। अजय कुमार प्रिंस पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप है। आर्थिक अपराध इकाई की अलग अलग टीम इनके ठिकानों को खंगाल रही है। बता दें कि भ्रष्टाचार से लिप्त बिहार के अधिकारियों के अकूत संपत्ति पर लगाम लगाने के लिए आर्थिक अपराध इकाई पूरी तरह से सक्रिय है और एक के बाद एक कई भ्रष्ट अधिकारियों के ठिकाने पर लगातार छापेमारी हो रही है। इसी क्रम में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पूर्णिया के डगरुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार प्रिंस के कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इसमें डगरवा प्रखंड कार्यालय पूर्णिया, पटना के दानापुर स्थित डिफेंस कॉलोनी के मकान, पश्चिम बंगाल के दालकोला स्थित मकान, वैशाली जिले के वाजिदपुर गांव स्थित पैतृक आवास के साथ आर्थिक अपराध इकाई की कई टीम छापेमारी कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई को सूचना मिली थी कि डगरुआ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार प्रिंस ने अपने पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक संपत्ति बनाया है और अपने परिजनों के नाम पर अर्जित कर रखा है। इसके सत्यापन की सूचना सही पाए जाने के बाद प्रिंस के विरुद्ध जांच शुरू की गई है। जारी सूचना के मुताबिक आर्थिक अपराध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1998 के तहत कार्रवाई की गई है। प्राथमिकी के अनुसार इनकी संपत्ति अन्य व्यय के आधार पर इनकी आय से अधिक संपत्ति लगभग 229% अधिक है। इसके बाद कोर्ट से तलाशी का वारंट प्राप्त कर 19 मई को आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस उपाध्यक्ष और पुलिस निरीक्षकों के नेतृत्व में प्रखंड विकास पदाधिकारी के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गई है। गुप्त सूचना के बाद आर्थिक अपराध इकाई द्वारा सत्यापन कराया गया और सत्यापन के क्रम में प्रिंस के खिलाफ 17 मई को अपराध निरोध अधिनियम के तहत FIR दर्ज कार्रवाई की गई थी, जिसमें उनकी संपत्तियों और अन्य वर्ग के आधार पर इनकी आय से अधिक संपत्ति लगभग 229% अधिक बताया गया है। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा न्यायालय से तलाशी अजित प्राप्त कर आज छापेमारी की जा रही है। पूर्णिया से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।